इलेक्ट्रॉनिक्स जोन है ये, और लगातार कि ये जो थीम है वो थीम ही यही है कि कैसे जो स्टार्टअप्स फ्रॉम द यंग माइंड और कैसे उनको इग्नाइट करके हम एक फ्यूचर भारत की कल्पना कर रहे हैं, न्यू इंडिया की कल्पना कर रहे हैं। तमाम विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री जो हैं बात करते हुए, उनके जो आविष्कार हैं उन्हें समझते हुए अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब्स, ये बहुत छोटे स्केल पर हर विद्यालय में शुरू किए गए थे, चुनिंदा विद्यालयों में, और ये कोशिश थी कि इन विद्यार्थियों को किस तरह से नवोन्मेष के रास्ते पर लाया जाए। हमारे साथ तापस भट्टाचार्य हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तापस, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जिसमें सोल्डरिंग स्टेशन, टूल जोन, इलेक्ट्रॉनिक जोन, ये वो शब्दावली है जो कहीं ना कहीं इन, हम कह सकते हैं, युवाओं को स्टार्टअप्स के रास्ते पर तो लाएगी लेकिन सोच में वो क्रांति जो कहीं ना कहीं नवोन्मेष को आने वाले समय में बढ़ावा देगी। बहुत सही कहा आपने, आंचल की ये क्रांति की शुरुआत है और ये जो शुरुआत है इसी से हम देख पा रहे हैं, क्योंकि इसका जो, इस साल का जो टेक्नोलॉजी डे है उसका जो थीम है वो है स्कूल टू स्टार्टअप, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ये इसी बात का सबूत है कि हम लोग अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको अभी से तैयार कर रहे हैं कि आगे चल के वो उस चीज को अब ये जो देश की जो परंपरा है, ये जो टेक्नोलॉजी, उसको आगे लेके जाए। और आज देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये एक्सपो का उद्घाटन किया है, वहां पे जो बच्चे इन्होंने उनको बता रहे थे कि क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज है, क्या क्या इनोवेशन किए गए हैं वो अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए। तो ये आपको पता होगा कि अटल टिंकरिंग लैब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विजन था और इसी के चलते आप देख पा रहे कि ये इन सालों में ये जो बच्चे हैं ये इन्होंने ना सिर्फ अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया है, उन लोगों ने ये स्टार्टअप को पेटेंट भी, ये जो स्टार्टअप के जरिए जो प्रोडक्ट है उनको पेटेंट भी करवाया। अभी कुछ जो बच्चे थे वो बता रहे थे प्रधानमंत्री को किस तरीके से उनके जो इनोवेशन है वो सिर्फ उनके आसपास के इलाके नहीं, उनके स्टेट के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक तरह से एक एग्जाम्पल सेट करता है। तो ये इस वक्त प्रधानमंत्री बच्चों से मिले, ये जो एक्सपो है, एक्सपो के में बच्चों ने उनको बताया कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ना उसमें पहली जिन जिस छात्रा से प्रधानमंत्री मिले ये सिक्किम का गर्ल्स स्कूल है और मैं जो पढ़ पा रही हूँ वो कहीं ना कहीं अटल इनोवेशन मिशन वहां पर सिखाया जाता है, यानी कि उस स्कूल को चयनित किया गया है। आप सोचिए जब मैं और आप स्कूल में पढ़ते थे हमारे लिए इस तरह की इनोवेशन की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि तीसरी चौथी कक्षा से कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर अटल इनोवेशन मिशन और टिंकरिंग लैब्स हैं। तो इस लिहाज से आप देखिए, यहां आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रोन्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, स्पेस का जो पूरा सेक्टर है उसमें कितनी संभावनाएं हैं इन यंग माइंड्स के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये इस तरीके से बड़ा है पिछले 5-6 सालों में कि भारत इस वक्त जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे नंबर पे पूरे विश्व में आ चुका है। और इसका ये रीजन ही कि इट्स नॉट अ टॉप डाउन मॉडल कि आपने ऊपर से बताया कि ये ऐसे ऐसे करना है, ये नीचे के लेवल पे जो ग्रास रूट लेवल पे जो पॉलिसी चेंजेस की गई है उसका हम देख पा रहे हैं कि अब हम लोगों को उसका एक रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है। जो सेकेंड बच्चा जो सिक्किम की लड़की के बाद जो एक सेकंड जो बच्चा था वो एक छोटे से जगह से आता है, एक स्कूल से आता है और वो बच्चा बताता है प्रधानमंत्री को कि जो दिव्यांगों के लिए एक वॉशरूम या जो शौचालय की जो व्यवस्था है, जो जो बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वो उनको बहुत दिक्कत होती थी दिव्यांगों को, तो उनके लिए किस तरीके से एक शौचालय का बनाया गया। और ये सोच बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सोच इनोवेशन आइडियाज जो है दिमाग से आता है। आप पैसा दे सकते हैं, आप फाइनेंसेस दे सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज होती है आइडियाज और वो आइडिया ये बच्चे दिखा रहे हैं। आपने बात कही ना तापस, बहुत अहम है क्योंकि हमने स्टार्टअप्स का जिक्र किया, तो जिस तरह से अभी मैं पढ़ पा रही हूँ उसमें हर एक घंटे में 4 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड होते हैं। इससे हम मान सकते हैं कि इससे जो स्टार्टअप की फंडिंग है वो 15% बढ़ी, 7% से ज्यादा इंक्यूबेटर्स जो है वो बढ़े, और सबसे अहम सेकंड और थर्ड टायर जो सिटीज हैं वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स के लिहाज से आगे आई हैं, उनके स्कूल्स आगे आए हैं। तो ये अपने आप में मार्ग प्रशस्त करता है
उस बड़े नए इंडिया के सपने का जिसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री हर वैश्विक पटल पर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आंचल की, नए भारत की जो सोच है वो अब एक सीमित नहीं है, वो बहुत आगे निकल चुकी है। और यही ये दिखा रहे हैं जो अभी आपके स्क्रीन पे जिस लड़के से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, वो एक इन्होंने अटल टिंकरिंग लैब से इन्होंने शुरुआत की और वो बता रहे थे प्रधानमंत्री को कि इन्होंने एक स्टार्टअप बना लिया है और वो स्टार्टअप जो है उसने एक प्रोडक्ट बनाया जो उसको पेटेंट किया गया है। आप समझते थे ये पेटेंट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और शुरुआत अटल टिंकरिंग लैब से लेके एक स्टार्टअप बनाना और स्टार्टअप बनाने के बाद उसको पेटेंट करना, बता रहे थे कि किस तरीके से हॉकिंग की जो समस्या है हमारे देश में, आपको पता ही होगा कि हॉकिंग की कितनी बड़ी समस्या है और वो हॉकिंग की समस्या से किस तरीके से बचाया जा सकता है। वो एक सिस्टम तैयार किया गया है कि नो हॉकिंग जोन में अगर वो सिस्टम लगाया जाएगा तो उसको उससे हॉकिंग की समस्या से बचाया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री खुद इन बच्चों से मिल रहे हैं, इन बच्चों का एक भरोसा है कि प्रधानमंत्री का जो इंस्पिरेशन है, जो जिस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, हमने पहले भी बात की है उन लोगों से, कल भी हम बात की इन बच्चों से, वो खुद कह रहे हैं कि हमें इंस्पिरेशन मिलती है प्रधानमंत्री के आइडिया से, उनकी बातों से और जब ये बच्चे खुद मिलते हैं। और आपने तब से जो कहा ना कि जमीनी स्तर से शुरुआत हुई और जमीनी स्तर से शुरुआत होने के लिए ये पेटेंट होना, और पेटेंट होने के लिए क्या चाहिए, क्या ये चाहिए कि कैसे टैक्स के मोर्चे पर सरलीकरण हो, इसलिए सरकार ने 1,000 करोड़ का जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है जिसमें एंजल टैक्स को सिंप्लीफाई किया गया। यानी कई ऐसे लोग थे जो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप लगाना चाहते थे लेकिन कानून काफी मुश्किल थे, सरल नहीं थे, तो क्या लगता है कि ये जो टैक्स को सिंप्लीफाई किया गया है ये भी तो आगे नंबर्स को इंक्रीज करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल अगर आप बताएं, अगर मैं और आप जब हम लोग स्कूल में थे, अगर हम लोगों को भी ऐसी सुविधाएं मिल रही होती या हम लोगों को भी अगर बताया जाता कि आप वो रेस से निकल के आइए, वो जो हम लोगों के समय होता था कि नंबर की रेस, वो रेस से निकल के अगर हम लोगों को इनोवेट आइडिया करने दिया जाता तो आप सोचे कि कहां से कहां पहुंच सकते थे। लेकिन आज इन बच्चों को वो सुविधाएं मिल रही है, उनको कहा जाता है कि आप अपनी जो उड़ान है, सोच की उड़ान है, उसको बढ़ाइए, और यही आज आप देख पा रहे हैं कि फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहले होता था कि किसी भी सिस्टम को तैयार करने में हर जगह पे ब्लॉकेट होता था, हर जगह पे दिक्कत होती थी परमिशन की, अब वो सिंगल विंडो परमिशन कर दी गई है। स्टार्टअप्स के लिए एक तरह से एक नई भारत हम देख पा रहे हैं कि हर जगह से स्टार्टअप को फंडिंग भी मिल रही है, उनको वन विंडो क्लियरेंस भी मिल रही है। वो जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स है ना उससे इतर सोच रहा है स्टार्टअप, क्योंकि इसमें ग्रीन, हम ग्रीन टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हैं, सस्टेनेबिलिटी, आंसर सस्टेनेबिलिटी की जो बात है, हर एक स्टार्टअप को अब ये दिमाग में आ रहा है कि आप कुछ भी जो बना रहे हैं वो सस्टेनेबल होना चाहिए, वो एनवायरमेंट कॉन्शियस होना चाहिए। तो ये एक तरह से ये सब ये जो थॉट प्रोसेस है ये इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो सोच बदली है और सोच के साथ हम बार बार देख पा रहे हैं कि जो बड़े कंपनीज, मैं एक एग्जांपल देके देख रहा हूँ, कुछ जो स्पेस सेक्टर था, सबसे ज्यादा स्पेस सेक्टर में गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शन थी, और आप देख सकते हैं आज स्पेस सेक्टर में एक तरह से नया युग शुरू हुआ है, जो स्टार्टअप का जो नए आए हैं यहाँ पे और यहाँ पे वो उसको आगे लेके जा रहे। तो स्पेस सेक्टर जो सबसे ज्यादा एक तरह से रुका हुआ था उसको भी खोल दिया गया है। आप डीप सी मिशन की बात की, आप किसी भी सेक्टर की बात की, जहाँ पे पहले एक तरह से गवर्नमेंट का एक होल्ड था उसको खोल दिया गया है। आप यहाँ पे स्टार्टअप को बोला जा रहा है, इंक्यूबेटर को बोला जा रहा है कि आप आइए, आप अपना आइडिया लेके आइए, पैसे की चिंता मत कीजिए, क्लियरेंस की चिंता मत कीजिए, वो हम आपको देंगे। आप अपने आइडिया को आगे लेके आए। पिछले 6 सालों के अगर मैं आंकड़ों का जिक्र करूं आपसे तापस, तो 68 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं 2 टायर 3 टायर सिटीज में स्टार्टअप्स के लिहाज से। तो सबसे बेहतरीन आपके जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो 2 टायर और 3 टायर से ही आ रहे हैं अभी इस वक्त। और आज जो सबसे ज्यादा जो हम लोग अगर स्टार्टअप नेशनल स्टार्टअप अवार्ड की बात करते हैं उनमें भी जो लोग काम कर रहे हैं वो 2 टायर 3 टायर से ज्यादा आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से एक देश में बदलाव आ रहा है। ये एक तरह से स्टार्टअप जॉब सिर्फ प्रोवाइड नहीं करता बट देश का जो थॉट प्रोसेस है वो पूरा चेंज कर रहा है। और इसीलिए हमने देखा था जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने अपना इकोनॉमिक ग्रोथ का आउटलुक पेश किया था बजट से पहले, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यूनिकॉर्न बनने की राह में सेकेंड और थर्ड टीयर सिटीज जो है वो अहम रोल अदा कर रही है। लेकिन तापस इसमें यह भी समझना होगा कि जो
अलग अलग हम कह सकते हैं ऐसे अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यूज हैं, यानी हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स, ये एक ऐसा चिप इंडस्ट्री, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, साथ ही साथ ड्रोन, ये वो सेक्टर है जिनमें असीम संभावनाओं के विकल्प है। और प्रधानमंत्री ने जब सेमीकंडक्टर्स को लेकर इसी प्रगति मैदान से सम्मेलन का उद्घाटन किया था, उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ी क्रांति लाएगा। इसी तरह ड्रोन्स की अगर मैं बात करूं, तो जब हम स्टार्टअप्स के लिहाज से बात करते हैं, तो खाली एक स्टार्टअप एक व्यक्ति को नहीं, तमाम अन्य लोगों को भी जॉब क्रिएशन के साथ साथ जॉब देने में और इसकी मादा रखता है, तो ये भी अपने आप में काफी अहम। सही कहा आपने। इनफैक्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने जाऊंगा आपको कि 1990 और 2000 के दशक में भारत सॉफ्टवेयर डेवलपर के हिसाब से आगे आया, सॉफ्टवेयर पावर हाउस बन के उभरा, लेकिन कहीं ना कहीं जो हार्डवेयर की जो बात आती है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ गए थे चाइना और आसपास के जो साउथ एशियन कंट्री से। लेकिन अब उसमें भी रेक्टिफिकेशन हो रही है, अब वहां पे भी बात चल रही है कि किस तरीके से इंडिया हार्डवेयर में भी सुपर पावर बने। और इसी का ही रीजन आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से हम बात करें, आप ड्रोन की आप बात करें, सेमीकंडक्टर आज की डेट में आपके फोन में, आपके कंप्यूटर्स में सबसे ज्यादा क्या चीज यूज होती है? सेमीकंडक्टर। लेकिन सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा बनते कहाँ है? बाहर, भारत के बाहर। तो ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। और ये सबसे ज्यादा दिक्कत महसूस हुई थी जब कोविड का समय आया था, तो उसके बाद से इस पे ज्यादा काम चला और आज हम देख पा रहे थे पॉलिसी चेंज लेके आया गया है। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अब कि यहाँ पे ये जो भारत सरकार ने जो शुरुआत की है 76,000 करोड़ का जो सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उन्होंने शुरुआत की है, उसका अभी से हम लोगों को फल देखने को मिला है कि भारत में एक्सपेक्टेशन है कि करीब 50 सेमीकंडक्टर स्टार्टअप 2023 के अंत तक आ सकते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इसमें भी भारत एक तरह से ग्लोबल पावर हाउस बन के निकलेगा। और चलिए आपको ये चलते हैं सीधा, प्रधानमंत्री जो है वो प्रगति मैदान में मौजूद है, कुछ देर पहले उन्होंने छात्रों से बात की है, आइए सीधे चलते हैं और सुनते हैं उनको। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, कुछ ही देर में जब वो जिस तरह से छात्रों से बात की है और जब तमाम जो 5,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं हैं जिन्हें वो राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं, जो तकनीक के लिहाज से बहुत उन्नत हैं, उस पर भी हम आपको लेकर चलेंगे। और